महाराष्ट्र के बदलापुर में अगस्त महीने में हुए दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस हिरासत में पुलिस के रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाई। पुलिस के जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि अस्पताल में अक्षय शिंदे ने दम तोड़ दिया। घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। दरअसल आरोपी अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से पुलिस यौन उत्पीड़न के मामले में रिमांड पर लेकर बदलापुर जा रही थी। जब वाहन मुमरा बाईपास के पास पहुंचा तो आरोपी अक्षय शिंदे ने वाहन में मौजूद एक पुलिस अधिकारी की रिवॉल्वर छीन ली और 2 से 3 राउंड फायरिंग की। इससे पुलिस अधिकारी घायल हो गया। जवाब में एक अन्य अधिकारी ने शिंदे पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में कलवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अक्षय शिंदे ने दम तोड़ दिया। बदलापुर के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पूर्व पत्नी के यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद पुलिस वारंट के साथ अक्षय शिंदे को जांच के लिए ले जा रही थी। उन्होंने पुलिस की बंदूक छीन ली और पुलिस कर्मियों पर ही फायरिंग की और हवा में भी फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में उस पर गोली चलाई और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। विपक्ष हर बात पर सवाल उठाता है। वहीं विपक्ष उन्हें फांसी देने की मांग कर रहा था। अगर उसने पुलिस पर हमला किया होता तो क्या पुलिस आत्मरक्षा नहीं करती? इसे लेकर कोई मुद्दा बनाना गलत है। ये जो आरोपी था, इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीन कर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। वहीं विपक्षी नेताओं ने इस मुठभेड़ पर आश्चर्य व्यक्त किया है और घटना की विस्तृत जांच की मांग की। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि मुठभेड़ कुछ अन्य लोगों को बचाने के लिए की गई थी। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वट्टेटीवार ने कहा कि ये चौंकाने वाला है, इस घटना की न्यायिक जाँच होनी चाहिए। बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस इनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल यह है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ? यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए, और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका एनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए एक बलात्कारी के लिए आंसू बहाने के बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हुए, ऐसा मैं विपक्ष के सभी नेताओं के साथ से अपील करूंगा।